हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रोंची बात। तो अभी मेरे पास स्टोरी है लक्ष्य चौधरी वर्सेस मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जैकलिन फर्नांडेज मनी लॉन्ड्रिंग केस, राउंड टू हेल, अर्जुन कपूर गेट ट्रोल एंड और भी बहुत सारे बढ़िया स्टोरी है गाइज, पूरे यूट्यूब एंड एंटरटेनमेंट कम्युनिटी से रिलेटेड। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और फ्यूचर में भी पूरे यूट्यूब एंड एंटरटेनमेंट कम्युनिटी के न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट स्टोरी की। तो फर्स्ट स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस वर्सेस लक्ष्य चौधरी को। तो कुछ टाइम पहले लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो अपलोड किए थे अपने चैनल पर, जहां पर उन्होंने रोस्ट किए थे मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस को। उसी को रिप्लाई करते हुए मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस ने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। इंट्रो तो नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी उसकी औकात दिखा देते हैं। देखिए औकात। अब तो भैया इनका नाम है लच्छे, अपने आपको महान कार्यकर्ता बोलते हैं। ऐसो को ऐसी ही भाई, मेरी माँ की ये गाली आ रही है, मतलब हम तीनों को गाली मिल रही है तेरी वीडियो के नीचे कमेंट में, वो मुझे भी कर रहे हैं। तू फैमिली पे चढ़ा है ना, अब हम तेरी ले रहे हैं बेटा, सुन ले। तू ये कहता है मेरी गुडविल है, मैं इनके बच्चे की फोटो नहीं, चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मेरे बच्चे की फोटो दिखा रहा है, ये मेरी लड़की की फोटो दिखा करके बोल रहा है। उसके मन में ये डाल रहा है, मेरी कल की बच्ची बड़ी होगी, उसके मन में डाल रहा है कि इसके दोस्त लोग इसको नंगा देखेंगे और हंसेंगे हमारी वीडियो में। हमने कभी अपने बच्चे को नंगा नहीं दिया, मेरी बच्ची को नंगा बोलने की सोशल मीडिया पे अभी उसको समझ नहीं आ रहा। कल को वो पड़ी रहेगी, तेरी वीडियो हमेशा के लिए इंटरनेट पे रहेगी, क्या असर पड़ेगा उसके दिमाग पे? इसे कहते हैं चाइल्ड अब्यूज। तू चाइल्ड अब्यूज करता है। चाइल्ड अब्यूज का ये मतलब नहीं है कि तू फिजिकली आउट करके मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सोशली तूने उसको हैरेस किया है, मेंटली हैरेस किया है। कल को वो बड़ी होगी, तेरी वीडियो जिंदगी भर के लिए इंटरनेट पे रहेगी, तेरे कॉमेंट्स जिंदगी भर के लिए इंटरनेट पे रहेंगे, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? उसके फ्रेंड्स उसको बुली करेंगे कि लच्छे चाचा ने बोला था कि नंगा दिखाया गया है, तूने ऐसा बोला। इसके बाद इस वीडियो को रिप्लाई करते हुए लक्ष्य चौधरी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं, देखिए क्या कहा लक्ष्य चौधरी ने। ऑल्सो उसने यह भी कहा है कि इस पर उसका एक वीडियो आ रहा है, देखिए वीडियो। अरे बी नेचुरल वाली रेखा दीदी की वीडियो आई है, मुझे अभी एक दो लोगों ने बताया, तो मैंने पूरी तो देखी नहीं, पूरी फिल्म है। तो ये कह रही है उसमें कि मैंने इनके बच्चों को नंगा दिखा दिया वीडियो में, मैं उसे नंगा बोल रहा हूँ। अरे दीदी शायद मुंह पे मेकअप की जगह आपके कान में भी जो है ना मेकअप की 6-7 लेयर चढ़ गई, वो जो असली चेहरा छुपाने के लिए आप लगाती हो ना। खैर मैंने पूरी वीडियो में ना तो आपके बच्चे की फोटो दिखाई, ना उसकी वीडियो दिखाई, और पता नहीं और भी कितना कितना बोल लिया। ठीक है कर दूंगा मैं इलाज, और एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात की है मैंने आपके ओवर एक्टर पति को जॉब दे देगा वो लाइट पकड़ के खड़े होने की। ठीक है बनाऊंगा जल्दी वीडियो, पूरी वीडियो का जवाब दूंगा, इलाज कर दूंगा तुम्हारा दोनों का। ठीक है चाइल्ड अब्यूसर तुम हो जो बिना कंसेंट के अपने बच्चे को यूज कर रहे हो। के अलावा मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस ने लक्ष्य चौधरी के वीडियो पर अटैक मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको लेकर भी पोस्ट किया लक्ष्य चौधरी ने कि हेलो वी आर रिसीव्ड द कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, लोल मिस्टर एंड मिसेस फेकू बच्चा मिसयूज करने के साथ साथ कॉपीराइट सिस्टम भी मिसयूज करते हैं, ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिमूव माय लेटेस्ट वीडियो ऑन देम, शायद ज्यादा ही फेक स्पीड कर दिया है उस वीडियो में मैंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की। तो नेक्स्ट स्टोरी है बीबी के बांस को लेकर। बहुत समय से भुवन बेम ने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, उसी को लेकर कल इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए और कहे टुमारो आई विल कंप्लीट 75th डे ऑफ कंटिन्यूस शूटिंग, बॉडी इज ड्रेन टू द कोर, बट आई विल बी डिलीवरिंग 2 शो दिस ईयर, यू विल बी वॉचिंग मी इन ए फिलिप इन न्यू अवतार, थोड़ा सा और पेशेंस रखोगे ना। तो गाइज इस साल 2 वेब सीरीज आने वाले हैं बीबी के बांस प्रोडक्शन के थ्रू, तो क्या आप एक्साइटेड हैं कमेंट में बताइए। आल्सो भुवन बेम ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उसने यह बताया कि बहुत ही जल्द एक ब्लॉग अपलोड करने वाले हैं दुबई का, देखने को। दुबई फाइनली। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की। तो नेक्स्ट स्टोरी है अर्जुन कपूर को लेकर। अभी आपको पता होगा कि ट्विटर पर क्या चल रहा है, बायकॉट मूवी, उसी को लेकर जब अर्जुन कपूर से एक इंटरव्यू में पूछा तो खुद ही देख लीजिए कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया। वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इन लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, ऑल दिस डजंट मैटर, जो मैं कह रहा हूँ हम वो मानते हैं एज एन इंडस्ट्री में, सबकी नहीं कह सकता, बट जहां तक मैं समझता हूँ यू नो यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी and you don't always need to get into everything, but I think somewhere हमी ने थोड़ा सा ज़्यादा सहन कर लिया है,
अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ. एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट, बिकॉज जो लिखा जाता है या जो हैशटैग्स बनते हैं वो दैट इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी. बिकॉज आप जब फिल्में देखते हो वो चलती है, और जब लोग हमको पसंद करते हैं वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है. तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बन जाती है बड़ी जब असली में होती नहीं है. आई डेफिनेटली फील इट नीड्स टू बी टेकन अप एट अ वेरी सीरियस लेवल, बट फॉर दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट इट. एम आई अलोन इनफ? नो, बट आई डू फील इट हैज रीच्ड अ पॉइंट. जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि हमने 6 महीने पहले या 2 साल पहले नहीं किया, आई थिंक वो इनएविटेबल है. अभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, बिकॉज थोड़ा ज्यादा होने लग गया है. इस रिएक्शन के बाद से अर्जुन कपूर को लोग बहुत बुरी तरह से ट्रोल करने लगे, और ट्विटर पर यह भी ट्रेंड चला है, अर्जुन कपूर रांडवा है. आपको इस इंसिडेंट को लेकर क्या ख्याल है कॉमेंट में बताना. तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की. तो नेक्स्ट स्टोरी है सौरभ जोशी से रिलेटेड. तो गाइज, सौरभ जोशी का नेक्स्ट सॉन्ग 23 अगस्त को प्यारी तेरी यारे रिलीज होने वाली है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की. तो नेक्स्ट स्टोरी है राउंड टू हेल को लेकर. तो राउंड टू हेल ने 4 साल पहले एक वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो का छोटा सा क्लिप अभी वायरल हो रहा है. बेसिकली शिवम दीक्षित करके एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया है राउंड टू हेल के वीडियो में श्री राधा रानी नाम को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का किया गया उपयोग. जियान नजीम और वसीम का यह यूट्यूब चैनल मुरादाबाद से होता है संचालित, वीडियो क्लिप हुई वायरल. तो देखिए आप भी कौन सा वीडियो क्लिप था. कंटिन्यूस टेंशन टेंशन. तो मोहन इज डूइंग ए गुड वर्क, इसका हिंदी में मतलब हुआ मोहन अच्छा काम कर रहा है. तो तुम बताओ राधा इज डूइंग ए गुड वर्क, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तू बता भाई. मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क, मोहन काम कर रही है, मोहन काम पे लग गया ना जी. अरे और 3000 रुपए महीना कमा रही है, हम भी जाएंगे फैक्ट्री. राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो छिनाला कर रही है, पूछ ले इससे बेटा. माँ का समय खुद देखा सर, जुम्मे रात के बाजार में छेड़ रहा. बेटे तू बाहर को आ जा. Oh, no. राधा छिनाला कर रही है. और क्या सर, ये साहब लोंडे छेड़ ली गुप्ता जी के होटल पे, मैं जा रही हूँ, मुझे बर्गर गई जैन, वो तो मैं शरीफ लोंडा. इसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने रिप्लाई किया है, संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया. तो इस वीडियो को लेकर बहुत से लोगों का ओपिनियन, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत नहीं किया है. जैसे एक दो कमेंट पढ़ के मैं सुना देता हूँ. शिवम सर आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों अच्छे लोग हैं, इनका वीडियो देखा हूँ, शायद आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं, बाकी आपके मेरे बारे में गलत फहमी हो तो मेरे लिए और कौन सा विचार का देख लेना, मैं किसको फॉलो करता हूँ. इसके बाद राउंड टू हेल ने अपोलोजाइज किए और उसने पोस्ट किए अपोलोजाइज. एक क्लिप बाइट ऑफ आवर 4-year-old वीडियो इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया इन विच वी डिडंट मेंशन एनी रिलीजियस स्टेटमेंट और एनी कर्स बट टू एनी पर्टिकुलर रिलीजियस गॉड्स गॉडेस इन होल वीडियो. बी रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट, इफ बाय एनी चांस सम पीपल फाउंड इट ऑफेंसिव एंड गॉट हर्ट, वी आर रियली अपोलोजेटिक, वी प्रोमिस टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर रिगार्ड राउंड टू हेल. तो गाइज आपका इस पर क्या ख्याल है कमेंट में बताओ. तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की. तो नेक्स्ट स्टोरी है क्या मिस्टर बीस्ट इंडिया आने वाले हैं. तो गाइज ऐसा हो भी सकता है कि मिस्टर बीस्ट इंडिया आए और एक वीडियो शूट करे. बेसिकली 8bit थग्स ने ट्वीट किया है @ मिस्टर बीस्ट शूट प्लान ए वीडियो हेयर इन इंडिया. द क्रिएटर कम्युनिटी इज ह्यूज हेयर विथ इनसेन ऑडियंस, इट कुड टर्न अप एज ए द मोस्ट व्यू वीडियो फॉर श्योर. तो इसी पर मिस्टर बीस्ट ने रिप्लाई किया, आई एम डॉन, हु शुड आई कोलैब विद. तो फिर 8bit थग्स ने रिप्लाई किया, कुड बी डिस्कस ऑन मेल एंड DM could make this as big as possible with the entire pool of creators. I could lead this for you easily locally. PS, we are nominated as content team of year with 50 plus creators and can connect you with 100 plus other easily for execution. तो क्या लगता है गाइज, मिस्टर बीस्ट एंड 8bit थग्स के बीच कोलैब हो पाएगा? अगर ऐसा होगा तो सच में मोस्ट व्यू वीडियो होगा. तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के. तो नेक्स्ट स्टोरी है जैकलिन फर्नांडेज को लेकर. ईडी ने अनाउंस किया है कि जैकलिन फर्नांडेज के ऊपर चार्जशीट फाइल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में फॉर 200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस. ओके, तो गाइज अभी के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और फ्यूचर में भी पूरे यूट्यूब एंड एंटरटेनमेंट कम्युनिटी के न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ओके गाइज, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम.